नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से संबंधित वाक्य बनाना सीखेंगे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कब करते हैं और कर्म कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, ये कारक है विभक्ति। जो द्वितीय विभक्ति होती है उसी को कर्म कारक कहते हैं। द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कारक कहते हैं। ये पुल्लिंग का शब्द दिया हुआ है, राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, ये पुल्लिंग का शब्द है। और ये स्त्रीलिंग का है, लता लते लतः, लताम लते लतः, ये नपुंसकलिंग का है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब इनका प्रयोग कैसे करें, देखिए। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं कि वह फल खाता है, वह फल खाता है। देखिए, वह फल खाने वाला है, ये कर्ता कारक हुआ, कर्ता, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो वह की संस्कृत होती है सह, वह की संस्कृत होती है सह, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सह तव ते, सह तव ते, ये सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो सह क्या खाता है, फल। तो ये कर्म हुआ, ये कर्म हुआ। तो कर्म कारक लिखने के लिए संस्कृत में जो शब्द रूप होता है उसकी दूसरी लाइन काम में लेते हैं। जैसे नपुंसकलिंग है, फल जो कर्म है ये नपुंसकलिंग है, तो इसकी दूसरी लाइन मीन्स कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कारक बोलते हैं, कर्म कारक को ही द्वितीय विभक्ति बोलते हैं। तो देखिए, फल, एक फल खा रहा है, तो ये शब्द लिखेंगे हम फलम, क्योंकि नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो फिर भी हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन काम में लेंगे, क्योंकि एक फल खाता है, वह फल खाता है। वह कितने फल खाता है यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन वह फल खाता है, इस फल शब्द से स्पष्ट होता है कि एक फल है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फलम। सह के अनुसार ये कर्ता कारक है, तो जैसे खाता है, इसकी मूल धातु होती खाद, खाद मीन्स खाना। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन होगा खादति, खादति, वह फल खाता है। इससे स्पष्ट हो गया, वह फल खाता है, तो सह फलम खादति। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया, संस्कृत से हिंदी भी अनुवाद कर सकते हैं, वह फल खाता है, सह मीन्स वह, फलम मीन्स फल, खादति खाता है, वह फल खाता है। नेक्स्ट, राम फल खाता, कोई भी नेम लेते हैं, तो राम पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, फल खाने वाला राम है। तो देखिए, कर्ता कारक, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति राम है, तो लिखेंगे हम राम है। और फल, एक फल खाता है, तो वही लिखेंगे ये फलम, और प्रथम पुरुष एक वचन है राम, तो क्या लिखेंगे, खादति, राम फल खाता है, तो राम है फलम खादति। यदि लिखें लता फल खाती है, लता खाने वाली लता है, तो लिखें कि लता फल खाती है, फल खाने वाली कौन है, लता है, इसलिए कर्ता हो, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, देखो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, तो क्या लिखेंगे, लता एक वचन है,
तो यहां पर लिखेंगे लता, केवल एक वचन, तो लिखेंगे लता। फल खाती है, एक फल खा रही है, तो फलम। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है कर्ता, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे खादती। लता फलम खादती, लता फल खाती है, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब द्विवचन और बहुवचन और देखते हैं। नेक्स्ट है मोहन और सोहन फल खाते हैं। फल खाते हैं, मोहन और सोहन फल खाने वाले हैं, इसलिए कर्ता हो गया। कैसे? जैसे राम है एक वचन है, रामव द्विवचन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मोहन सोहनव लिख सकते हैं, मोहन सोहनव लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन है सोहने से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये समस्त पद बना करके लिखते हैं और ये विग्रह करके लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो मोहन सोहनो फल खाते हैं, बहुत सारे फल खाते हैं, तो लिखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो यहां लिखेंगे फलान। अब ये द्विवचन का कर्ता है मोहन सोहनो, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? एक वचन है खादती और द्विवचन खादते, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार क्रिया लिखेंगे हम, तो कर्ता मोहन और सोहन दो है, तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर खादते। ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हुई, और ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे ये ही फलानी खादत है, इस प्रकार से ये वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के वाक्य भी बना करके देखते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देने पर कर्म कारक के सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं कार्य करता हूं, मैं कार्य करता हूं, तो मैं यहां पर करता हूं और कार्य मैं क्या करता हूं? कार्य करता हूं, तो कार्य कर्म है और करता हूं क्रिया है। करता हूं की मूल धातु क्या होती है? क्री। और केवल उत्तम पुरुष की धातु लिख देता हूं मैं, देखिए उत्तम पुरुष की धातु है करोमी, कुर्व है और कुर्म है। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। मैं कार्य करता हूं, तो मैं कार्य करता हूं, तो काम करने वाला मैं, तो इसकी संस्कृत होती है अहम, मैं। अब कार्य नपुंसक लिंग है और एक वचन है, तो फलम की तरह हम इसकी ये शब्द रूप चलेंगे, तो फलम और कार्यम, तो लिखेंगे कार्यम, अहम कार्यम, मैं कार्य करता हूं, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो लिखेंगे करोमि, अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूं। अगर द्विवचन होता है कि हम दोनों कार्य करते हैं, हम दोनों कार्य करते हैं, हम दोनों कार्य करते हैं, तो हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो हम दोनों की संस्कृत होगी आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों। अब कार्य को हम एक वचन में लिखें, द्विवचन में लिखें या बहुवचन में,
हम दोनों दो कार्य करते हैं तो द्विवचन में लिखेंगे, और हम दोनों एक ही कार्य करते हैं तो एक वचन में लिखेंगे। तो देखिए एक वचन में लिखने पर हम ऐसे ही लिखेंगे, आवाम कार्यम। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, कुर्वह। आवाम कार्यम कुर्वह, हम दोनों कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हम सब कार्य करते हैं, हम सब कार्य करते हैं, बहुवचन का भी वाक्य बना करके देखते हैं। हम सब कार्य करते हैं, हम सब अलग अलग कार्य करते हैं, तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है और इसकी संस्कृत होगी वयम, और हम सब बहुत सारे कार्य कर रहे हैं तो कार्यम कार्य कार्याणि कार्याणि लिख सकते हैं। यदि एक ही कार्य कर रहे हैं तो कार्यम लिख सकते हैं, तो वयम कार्याणि बहुत सारे कार्य कर रहे हैं तो लिखेंगे वयम कार्याणि। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुर्मह। वयम कार्याणि कुर्मह, हम सब कार्य करते हैं। अब मध्यम पुरुष का देखते हैं, ये उत्तम पुरुष की धातु लिखी हुई है, अब मध्यम पुरुष की धातु भी लिख देता हूं, करोसि कुरुत है कुरुत, यह आपकी सुविधा के लिए मध्यम पुरुष की धातु लिख दी गई है। तुम कार्य करते हो, तुम कार्य करते हो, कार्य करने वाला तुम, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और करते हो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कार्य एक कार्य करता है तो कार्यम लिखेंगे, फल के अनुसार इनके रूप चलते हैं। तो त्वम, त्वम मीन्स तुम, ये करता है मध्यम पुरुष एक वचन है, कार्यम त्वम कार्यम तुम कार्य, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है करोसि, तो लिखेंगे हम त्वम कार्यम करोसि, तुम कार्य करते हो, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, तुम दोनों कार्य करते हो, तुम दोनों कार्य करते हो। अब इसमें द्विवचन ले लेते हैं, मान लीजिए हम तुम दोनों कार्य करते हो, तुम दोनों दो कार्य करते हो, तब हम द्विवचन में लिखेंगे इसको, एक वचन नहीं आएगा अभी तक। तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, कार्यम तुम दोनों एक ही कार्य कर रहे हो तो कार्यम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुरुत है, तुम दोनों कार्य करते हो, तो इसकी संस्कृत हुई युवाम कार्यम कुरुत है, तुम दोनों कार्य करते हो। नेक्स्ट बहुवचन और देखिए, तुम सब कार्य करते हो, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम, यूयम मीन्स तुम सब, कार्य कार्याणी बहुत सारे कार्य करते हैं, तुम सब में बहुत सारे लोग होते हैं, यूयम कार्याणी तुम सब कार्य। अब करते हो, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुरुत, तो यूयम कार्याणि कुरुत, यूयम कार्याणि कुरुत, तुम सब कार्य करते हो। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, किसके, मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के और प्रथम पुरुष के। और कर्म कारक में हमेशा ध्यान रखना है, जो शब्द रूप लिखते हैं हम, सर्वनाम शब्द लिखते हैं, उनकी जो दूसरी लाइन होती है कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति वाली, ये कर्म कारक में हम यूज करते हैं, और जो प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता कारक होता है ये कर्ता में हम प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे
तुम सब फल खाते हो, तो यहां पर यूयम तुम सब हो गया, फलानी और खादत। कुरुत हुआ वैसे ही हम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, खादत और यहां पर फलानी और यहां पर यूयम। तो तुम सब फल खाते हो, ये स्पष्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।